डॉली, तुम्हें पता है नाशपाती रेडियो जॉकी बन गई है। हाँ, वैसे उसका चेहरा फिट भी है रेडियो के लिए। नए आरजेस के लिए ना ऑडिशंस हो रहे हैं, अगर नाशपाती बन सकती है तो तुम भी बन सकती हो। बन तो सकती हूँ, लेकिन उसके लिए टेस्ट देना होगा और टेस्ट में चीटिंग करने का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। डॉली, मुस्तकीम भाई इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उनसे कह देते कि तुम्हारी तैयारी करा दे। नहीं, मुझे ऐसी लेडीज बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती है। नहीं, यू हैव डिपेंडेंट। हाय डॉली, डॉली तुम्हें पता चला? हाँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता चल गया? हाँ, पता चल गया कि तुम आ गई हो। नहीं। ओ, तो तुम नहीं आई? मैं आरजे का ऑडिशन देकर आई हूँ, उन्हें मुझ जैसी खूबसूरत और स्मार्ट चाहिए थी। हाँ? आवाज तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। नाशपाती, वो डॉली भी आरजे बनना चाहती है, अगर तुम थोड़ी सी कोई एडवाइस दे दो। प्यारी बहन नहीं हो, छोटी बहन? ओ माय गॉड, अब तुमने मुझे छोटी बहन बोल दिया तो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। देखो, मेहदी हसन, नूरजहां ने जितने भी अच्छे गाने गाए ना, फ्लू में गाए, फ्लू में आवाज अच्छी हो जाती है। उस डॉक्टर की जिससे मेडिसिन लेने जाते हैं? अरे नहीं, मेरे साथ जिन्होंने ऑडिशन दिया है ना, जिस जिसको फ्लू था आरजे सिलेक्ट हो गया। अगर तुम्हें भी फ्लू हो जाए ना तो आवाज भारी हो जाएगी और तुम भी आरजे सिलेक्ट हो जाओगी। अच्छा, क्या करूं, क्या करूं मैं? ठंड। अरे डॉली, ये क्या कर रही हो तुम? इतनी सर्दी में एसी के सामने बैठी हो, बीमार होना है क्या? वो ही तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फ्लू हो ही नहीं रहा। क्यों, फ्लू के इलाज की कहीं फ्री सेल लगी है क्या? मुस्तकी, मसल में मैं चाह रही हूँ मेरी आवाज भारी हो जाए, और आवाज भारी करने के लिए पहले सर्दी होना जरूरी है। सर्दी से फ्लू होगा और फिर आवाज भारी हो जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि मुझे फ्लू हो गया। आपका क्या फायदा, फ्लू तो मुझे होना चाहिए ना। क्यों, कोई माकूल वजह है डॉली? फ्लू आजकल फैशन में या ट्रेंडिंग में? मुस्तकीम, मैं असल में ना रेडियो शो के लिए ना आरजे का ऑडिशन देने जा रही हूँ, तो अपनी आवाज तैयार कर रही हूँ। और वैसे भी आप मेरे हुसन की वजह से मुझे टीवी फिल्म में तो आने नहीं देते, तो रेडियो सेफ है। डॉली, वैसे ये सलाहियत सिर्फ तुम में है, तुम आसान से आसान काम को ना मुश्किल बना देती हो। थैंक यू मुस्तकीम। वहाँ सब आपके जानने वाले होंगे, आप उनको बता देंगे कि मेरी मिसेज आने वाली है, तो थोड़ा जरा ख्याल कर लें। अच्छा, मैं कह दूंगा, तुम एसी बंद करो प्लीज। अरे तो कमाल हो गया, मेरा फ्लू एसी ऑन करने से नहीं, ऑफ करने से होता है। मुस्तकीम, आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। थैंक यू, फ्लू हो गया, फ्लू हो गया। डॉली, अच्छा, ओह डॉली, यहाँ तो बहुत रश है। एक काम करते हैं, पानी में नीम की गोलियां मिक्स करके इन सबको पिला देते हैं, ये लोग यहाँ सो जाएंगे, हम अंदर चले जाएंगे। ये पाकिस्तानी सिटकॉम्स देखना ना तुम कम कर दो। फॉलो मी। एक्सक्यूज मी, क्या आप हमें अंदर जाने देंगे सबसे पहले? क्यों? क्यों? आपको पता नहीं कि हम कौन हैं? नहीं, तभी तो कह रहे हैं कि हमें अंदर जाने दे। पहले लाइन लगाओ, फिर अंदर जाना। वो कौन सी मुश्किल बात है, दे कॉपी पेंसिल, मैं भी आपको सीधी लाइन लगा के बताती हूँ। एक मिनट, आप इन्हें नहीं जानते, इनके मियाँ बहुत बड़े आदमी है, समझे? जाओ अंदर जाके कहो कि मिसेस डायरेक्टर साहब आए हैं। आई नहीं, तशरीफ लाए। आई नहीं, तशरीफ लाई है, जाओ। बॉस, शो स्टार्ट होने में 5 मिनट रह गए, वो मिनिस्टर साहब की मैसेज डॉक्टर डीजी अभी तक दिया है। यार, उनको फोन आया था मुझे, वो कह रही थी मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगी, मेरा ख्याल वो आ भी चुकी होंगी। देखो सर, मैं उनको पहचानूंगा कैसे? सर वो क्या लगा रखी है, 4 मिनट रह गए शो स्टार्ट होने में। वो सर सर वो बाहर कोई मैडम आई है, वो बोल रही है कि उनके हस्बैंड बहुत बड़े। शुक्र है वो आ गई। ऐसा करो, तू स्टूडियो ले जाओ और शो के बाद चाय के लिए मेरे कमरे में ले आना, ठीक है? मैं जब तक नया आरजेस का ऑडिशन कर लूं। सुनो, संभाल लेना। सर डोंट वरी सर, आप फिक्र ही ना करें। तेरी समझ नहीं आती। जी मुझे आरजे वकार कहते हैं, मुझे आप लोगों के साथ आज शो करना है, तो स्टार्ट करें। देखा, हस्बैंड की कॉल आने से क्या होता है। मेरे साथ मेरी तारीफ कर। डॉली जी के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, बहुत बिजी है। आप डॉक्टर डीजी है ना? डीजी डॉली जी, सेम थिंग। डॉक्टर जी कह रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, हमारे जिसको रिस्पेक्ट देनी है उसको डॉक्टर कहते हैं। और मेरा ख्याल है मुस्तकीम का फोन आपको आया होगा और उन्होंने बताया होगा कि मैं एक दिन डॉक्टर भी रह चुकी हूँ। जी मैडम,
बस अब हम लाइव जाने वाले हैं, तो उसमें करना ये है हमने कि कुछ कॉलर हम सिलेक्ट करेंगे जो अपने प्रॉब्लम मसाइल आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए जी, साइलेंस प्लीज, प्लीज साइलेंस। चलिए जी, अब हम ऑन एयर जाने वाले हैं। ओके, ये हेडफोन, हेडफोन पहन लीजिए। हाँ, अपना वाला दे दे। अरे नहीं नहीं भाई, ये पड़ा हुआ है, ये देखें आप इधर, ये पड़ा कहाँ है? ये ना, ये हाँ, ये हेडफोन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों के? मुझे कहते हैं आरजे बकार, और आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद है मोजेस डॉक्टर साहिबा, जिनका नाम है डॉक्टर डीजी और टॉली जी। डॉक्टर डॉक्टर डीजी, और इनसे बातचीत करेंगे। अगर आपके पास भी कोई मसले मसाइल है, कोई हेल्थ से इशू कोई है मसला, तो आप बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं और साथ में गपशप भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना। और जनाब, तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर डीजी साहिबा, इनसे बात करेंगे। कुछ बोले हैं तो कोई सवाल पूछेंगे तो मैं बोलूंगी ना, क्या बोलो? जी जी जी, तो जी हमारे पहले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। लाहौर से हमारे साथ हैं रीमा, तो उनसे हम बात करते हैं। रीमा खान की जानिब बढ़ते हैं। जी रीमा जी, तो क्या सवाल है आपका? हेलो डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मुझे कोई एक्सरसाइज तो बताएं। जी डॉक्टर साहिबा बताएं। हाँ, वो ऐसी वर्जिश, वजन ऐसा करें, आप ऐसा करें कि अपना जो सर है ना, दिन में 3 दफा दाएं बाएं ना ऐसे ऐसे हिलाएं। जब भी आपसे कोई खाने के बारे में पूछे कि खाना खाएंगी, तो आपके वजन कम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है, ओके रामा जी, ओके ओके। अरे मैडम, ताली नहीं बजाएं, वो ऑन एयर जा रही है। यस, आई विल मैनेज। ठीक, आप ऐसे नहीं जाओगे। मैडम देखिए, हटे, क्या हो गया? मैडम देखिए, अरे हटो सब, आप यहां आप प्रोग्राम नहीं कर रही? अरे इसने मुझे कब से बाहर बिठाया हुआ है। सर आपने ही मना किया था कि किसी को अंदर नहीं आने देना। खामोश, जाओ यहाँ से, हट जाओगे। अच्छा, अगर आप यहाँ हैं तो प्रोग्राम कौन कर रहा है? जी देखा, डॉली कितना अच्छा बोलती है। चुप ज्यादा अच्छी होती है, पर ये तो बॉस का हुक्म था। बॉस का क्या हुक्म था? कि शो के बाद ना इनको कमरे में ले आना, कुछ खाने पीने की चीजें मंगवाई हैं। हमारे लिए? हमारे लिए तो कभी किसी ने खाने को नहीं मंगवाया कुछ। नहीं, इसका कहने का मतलब है कि हमारे वक्त डाइटिंग पे होते हैं तो कोई क्यों खाना मंगवाएगा हमारे लिए। अच्छा एक बात बताएं, ये डॉक्टरेट कहाँ से किया आपने? मैंने क्या क्या किया? मेरा मतलब है कि डॉक्टर कब बनी? ओ, बनी कब? ये पिछले हफ्ते यही टाइम होगा, कुछ 3-4 बजे। ओफो, मेरा ख्याल है चलते हैं, चलिए आइए। ये कौन है? आप कौन है? कैसी है मिस कौन? कुछ क्या मंगवाया आपने? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। थैंक यू, हमें पता चला आपने कुछ स्पेशल खाने को हमारे लिए मंगवाया है। क्या मंगवा रहे हैं? पुलिस को मंगवाया। ओह प्लीज, स्पेशल डिश है? नहीं नहीं, कुछ लो फैट मंगवाए, ये नहीं अच्छा लगता मैं। आप इनको जानती हैं? पता है ये कौन? शक्ल से तो कोई लेडी लग रही है। ये है डॉक्टर डीजी, जिनकी जगह पर नकली डॉक्टर डीजी बनके आपने प्रोग्राम किया। अच्छा, तो मैं असली डॉली जी हूँ और एक दिन की डॉक्टर भी हूँ। मुस्तकीम ने आपको फोन करके बताया नहीं? ये फैसला तो पुलिस करेगी, आप पे फ्रॉड का केस होगा। कॉल द पुलिस। आप कहाँ जा रही? पुलिस को बुलाने। पुलिस, आप कहाँ जा रही है? तो बेबी साल को बुला रही हूँ ना। बेबी साल क्या है तरीका? पुलिस, इधर आओ तुम। पुलिस, ओ जाती हो, आ हद हो गई है यार। ये कहाँ चली गई? और सर आप ही ने तो पुलिस बुलाने के लिए भेजा है। अब पकड़ो इनको, भाग दीजिए, अब पकड़ो, जाओ मेरा मुंह कर, हद हो गई। ना पता चले कि हम रेडियो स्टेशन गई थी, तो हमारा ही कसूर नजर आएगा। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? रेडियो स्टेशन नहीं आ रहे, और आपने तो मेरी कोई सिफारिश की नहीं होगी। नहीं करिएगा भी नहीं, क्योंकि अब मैं आरजे बनना ही नहीं चाहती। हाउ आर यू? ये मैंने सेल पे से लिया है। हाँ भाई, कैसा रहा तुम्हारा आरजे का ऑडिशन? हैं? डॉली तुम तो कह रही थी तुम वहाँ गई नहीं। वो असल में बेमिसाल को याद ही नहीं रहा कि हम रेडियो स्टेशन गए ही नहीं। वो लॉक कर दी दरवाजा, रेडियो वाले ना आ जाए। लौटते लौटते। रेडियो वाले यहाँ क्यों आएंगे? नहीं, वो प्रोग्राम की वजह से हमें ढूंढते हुए यहाँ ना आ जाए ना। प्रोग्राम की वजह से मतलब? वो डॉली गई नहीं ना, तो इसलिए इसने सोचा कि रेडियो वाले प्रोग्राम करना यहाँ ना आ जाए। हाँ यही, गुड जोक, गुड जोक। आ तो सकते हैं, डॉली जैसी हस्ती के लिए तो वो खुद घर आकर ऑडिशन ले लेंगे।
आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम ऐसे चले गई। क्या? मतलब चली जाती हैं, लेकिन नहीं गई। अरे जाओ डॉली, मेरे और अंदेशे के लिए दो कप सरदर्द और चाय की गोली, मतलब दो कप चाय और सरदर्द की गोली लेकर आओ। दिमाग घुमा दिया। एक डोली गोली, दो गोली, डोली डोली, वो कंफ्यूज हो। बैठो यार। सरदर्द, दो सरदर्द, दो सरदर्द नहीं, दो गोली। एक्सक्यूज मी, एक किलो केले दीजिएगा प्लीज। एक किलो नहीं, डेढ़ किलो कर लो। डेढ़ किलो बनाना दे दे। मैडम केले दर्जन के हिसाब से होते हैं, किलो के हिसाब से नहीं। इनसे पूछता हूँ, इनको पता होगा। डॉली है। डॉली, वो देखो रेडियो वाला सीधा हमारी तरफ आ रहा है। एक्सक्यूज मी, व्हाट? आप डॉली मैडम को जानती हैं? वो यही रहती है? जिस डॉली को आप ढूंढ रहे हैं ना, वो यहाँ नहीं रहती है। मैं किस डॉली को ढूंढ रहा हूँ? वही जिसने रेडियो पे प्रोग्राम किया था ना। अरे आप जानती हैं उनको? नहीं हम कैसे जानेंगे, लेकिन जिस खूबसूरत हसीन स्मार्ट पिटी डॉली की आप बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ नहीं रहती। हम ही यहाँ नहीं रहते। चलो चलो भाई, हम भी यहाँ नहीं रहते। ये तो चमत्कार ही हो गया, हमेशा फ्रूट लेके जाती है, पैसे नहीं देती। आज पैसे देके गई है और फ्रूट नहीं लिया। चलो पिछला हिसाब समझ कर रख लेते हैं। डॉली, कहीं रेडियो वाला हमारे पीछे ना आ जाए। मैं तो कहती हूँ कि हम घर में लंबे वाले रास्ते से चलते हैं, कहीं हमारे घर का पता ना चल जाए उसको। मुझे दर्द हो रही है टांगों में। अरे डॉली डॉली बेमिसाल, तुम्हारा घर तो उस तरफ है, तुम इधर क्या कर रही हो? रास्ता भूल गई हो क्या? नाशपाती, अगर कोई पूछे ना तो तुमने ये नहीं बताना कि डॉली है। क्यों? क्योंकि क्योंकि मुझे शोहरत पसंद नहीं है। फिर ठीक है, आओ आओ नाशपाती, खोलो खोलो ना। कैसी हो डॉली? ये रेडियो प्रोड्यूसर ना तुम्हें ढूंढ रहे थे तो मैंने ले आई। नहीं नहीं, मैं वो वाली डॉली नहीं हूँ जिनको ये ढूंढ रहे हैं। नहीं डॉली, ये वो। अरे डॉली जी, आप ही है ना जिन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम किया था? क्या? नहीं तो मैंने कहा प्रोग्राम किया, मेरे खानदान में तो बहुत पर्दा है, सख्त पर्दा है, बल्कि हमारे यहाँ तो आवाज का भी पर्दा है ना महरमों के सामने। लेकिन डॉली मैंने तुम्हारा प्रोग्राम खुद सुना था। राजपाती, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो आओ ना इधर, देखो ये क्या खूबसूरत है। देखिए जी, आप मुझ पे कोई केस नहीं कर सकते क्योंकि मैंने कोई प्रोग्राम किया ही नहीं। केस? और वो जिस डॉली को आप ढूंढ रहे हैं ना, वो गुलशन में रहती है। हाँ, और हूबहू मेरे जैसी लगती है। अच्छा एक काम करें, उसका मुझे पता बताओ। असल में हमारे एक स्पॉन्सर हैं, उनको उनकी बातें इतनी अच्छी लगी, वो चाहते हैं कि अपने सारे शो उसी के साथ करें। क्या? उनको मेरे जवाब पसंद आए? आपके नहीं, गुलशन वाली डॉली के। वो तो मैं हूँ। मैं मजाक कर रही थी क्योंकि मैं पता समझी कि आप उस पे केस करने आए, बट आई एम डॉली, डॉली इज मी। नहीं, मेरा ख्याल है वो गुलशन वाली होंगी। बेमिसाल नाशपाती, इधर आओ। बेमिसाल सुनो, इनको बताओ ना मेरे बारे में। और नाशपाती, तुमने तो मेरा शो सुना ही था ना? हाँ हाँ, प्रोग्राम तो मैंने सुना था वकार साहब, लेकिन ये वो डॉली नहीं है। अरे मैं ही हूँ ना, जब मैं कह रही हूँ। केस बना देगा। सुने जी, ये डॉली नहीं है, आप प्लीज जाए। बेमिसाल, इन्होंने जो मेरा शो है ना उसको बहुत पसंद किया, मुझसे और शोज करवाना चाह रहे हैं। ये डॉली तो है, देखे तो यही अपनी डॉली। एक मिनट, पहले आप फैसला कर लें कि आप डॉली हैं या नहीं हैं। नहीं नहीं, ये वही है, अल्लाह का पक्का वादा, ये वही है। मैं जी आपकी डॉली आपके साथ। पूछे कोई सवाल पूछे। जी जनाब, तो नेक्स्ट कॉल की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइन पर हमारे साथ कौन है। हेलो जी, मैं काजिम, वो मेरी बीवी बदल गई है। बदल गई है? कहाँ बदली? बाजार में बदल गई या किसी फंक्शन में? आपने पुलिस में रिपोर्ट करवाई है? आप क्या पहचानते अपनी बीवी को? अरे बदल गई है मतलब कि तवज्जो नहीं देती मुझ पर। ओह, इसका मतलब है उसको आप पे एतबार आ गया है। बीवियाँ जब अपने मियाँ पे एतबार नहीं करती, सिर्फ तभी उनको गौर से देखती है। तो क्या करूँ कि वो फिर से तवज्जो देने लगे? आप क्या फिल्में नहीं देखते? जेलस कराए उनको, जेलस। ओ अच्छा, वो आ रही है, मैं भी कर दूँ फोन मंगने भी। हाँ कैसी हो? अरे इतने दिन हो गए, नजर ही नहीं आई तुम। सब हम गुलखान बोलती है। हाँ तुम्हारी आवाज से तो लग रहा है तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारी जुल्फें कितनी अच्छी है ना। कभी किसी एड कंपनी ने इश्तहार की ऑफर नहीं की तुम्हें? जुल्फें? सब आप क्या बोलती है? क्या
तुम मुझे बहुत पसंद करती हो, मुझसे मोहब्बत करती हो। वो हम गुलखान बोलते। अरे शैला, सही कर रही हूँ सर। अरे बस हो रहा है, सही हो रहा है, बस सही हो रहा है। चले जनाब, नेक्स्ट कॉल की जाने पड़ते हैं और देखते हैं कौन है लाइन पर इस वक्त। हेलो डॉली जी, मेरे हस्बैंड का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। रियली? आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। आप ऐसा करें, अपना सारा सामान पैक करें और उसको कहें कि अगर तुमने उस औरत को नहीं छोड़ा तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। बल्कि आप छोड़ ही दें घर, दरवाजे की तरफ बड़े 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 देखे वो आपके पैर पकड़ेगा। जी थैंक यू डॉली जी। और जनाब, नेक्स्ट ट्रैक के बाद फिर एक और कॉलर के जाने पड़ते हैं। नहीं डॉक्टर साहब जी, गाने प्ले करने होते क्योंकि ये म्यूजिक का शो है, तो नेक्स्ट ट्रैक के जाने पड़ते हैं। बहुत ही सुरीला मेलोडियस ट्रैक, एंजॉय करें। आपकी अपनी डॉली के साथ नई कॉल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, ओह मिस्टर काजिम जी, क्या मसला आपका? आपकी बीवी आपको छोड़ के जा रही है, सामान बांध लिया उसने। देखिए ये वक्त कमजोर होने का नहीं है, आप ब्लैकमेल नहीं हो सकते। आप अगर एक बार झुक गए तो सारी जिंदगी झुकना होगा। इग्नोर करें उसको, इग्नोर। क्या ये ड्रामे कर रही है? वाइट जनाब, और अब हम बढ़ते हैं एक और कॉल की जानिब और देखते हैं कि कौन है इस वक्त लाइन पर हमारे साथ। हेलो हेलो, मैं मुल्क की मशहूर आरजी डॉली जी घर पर नहीं हूं। आप अपना पैगाम इस बीप के बाद रिकॉर्ड करा सकते हैं। बीप? अरे डॉली क्या है ये सब? मुस्तकीम, वो आपको पता है मैं घर से बाहर ना बहुत मशहूर हो गई हूँ, हर कोई मुझसे मशवरा लेना चाहता है। आई एम वेरी फेमस यू नो। क्या फेमस? मुस्तकीम को साथ ले जाती हूँ ताकि इनको पता चले मैं कितनी बड़ी आरजी हूँ। मुस्तकीम, आप मेरा शो देखने में साथ चलेंगे रेडियो स्टेशन? चलो आज देखते हैं तुम्हारा शो चल के कैसे करती हो। एक मिनट रुकना, मैं मोबाइल लेके आ रहा हूँ। हेलो बेबी साल, मुस्तकीम मेरे साथ चल रहे रेडियो स्टेशन मेरा शो देखने। भाई कब आएंगी? आ रही आराम से आराम से। आइए आइए आइए। वकार साहब, इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं? ये सब आपके लिए ही मुंतजर हैं। Really? देखा मुस्तकीम कितनी पॉपुलर हूँ मैं, शो के बाद आप सबसे मिलती हूँ। अरे हमें बताएं तो सही, ये डॉली है कौन? मेरा ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। मैं ही डॉली हूँ। तो तुम हो डॉली, तुम्हारी वजह से मेरा घर उजड़ गया, तुम्हारे मछुरों ने मेरा हस्बैंड छीन लिया, तुम्हारी वजह से मेरी फियांसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हमारे फैंस की तादाद तो बहुत ज्यादा है डॉली। वो सब तो ठीक है लेकिन मुस्तकीम आ गए। डॉली डार्लिंग, डॉली डार्लिंग।